हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में जश्न का माहौल दिखाई दिया। निफ्टी 387 अंकों की उछाल के साथ 17,774 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1,277 अंकों का उछाल दिखाई दिया। निफ्टी बैंक 1,040 अंक से ज्यादा की तेजी पर बंद हुआ। बाजार में सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी खरीदारी रही। दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। ईटी नाउ स्वदेश को एक साल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ ही साथ बाजार में भी जश्न देखने को मिला है। आज शानदार क्लोजिंग रही निफ्टी और सेंसेक्स की। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शानदार क्लोजिंग रही, करीब 380 अंक ऊपर बंद हुआ निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखिए आखिरी कुछ मिनटों में शानदार तेजी देखने को मिली और 1,000 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स में भी देखिए करीब 1,270 अंकों से ज्यादा की मजबूती आज सेंसेक्स में भी देखी गई है। निफ्टी के दो शेयरों को छोड़ दें, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज, तो बाकी सभी जो स्टॉक थे वो आज हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दिए। बट टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो इंडसइंड बैंक 5.5% ऊपर, शानदार क्वार्टर टू अपडेट आए और उसके बाद काफी अच्छी क्लोजिंग हमने देखी। इस बीच बैंकों के जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और आज हम देख रहे हैं उसी के चलते बैंकिंग शेयरों में काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। इसके बाद अदानी पोर्ट्स करीब 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया और हीरो मोटो ये करीब 4% ऊपर आज कारोबार कर रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर भी अगर नजर डालेंगे तो आज हमने देखा आज तमाम सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी में देखेंगे तो HDFC बैंक और रिलायंस ने आज लीड किया और इस बीच निफ्टी मिड कैप में भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर निफ्टी मेटल को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा PSU बैंक इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 3% का उछाल देखने को मिला और फार्मा में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और लगातार 6 दिनों से हम देख रहे थे कि अच्छी मजबूती के साथ फार्मा शेयर भी कारोबार करते हुए नजर आए। तो काफ़ी अच्छा आज कारोबार रहा दिन भर। ग्लोबल संकेत भी काफ़ी अच्छे थे और उसी के चलते आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई, दिन भर मजबूती के साथ टिके रहे और क्लोजिंग में तो होते होते काफ़ी अच्छी तेजी मार्केट में आज देखने को मिली है। इटनाव स्वदेश की पहली सालगिरह पर बाजार में शानदार तेजी है। इस पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत की। दिग्गजों का कहना है कि बाजार में छोटी अवधि में काफी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में बाजार में शानदार तेजी की उम्मीद है। बैलेंस करने के लिए बेस्ट वे आई कैन पुट इट कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी है। तो जो थोड़ा बाकी है वो इस पॉइंट पर है कि अब जरा US मार्केट जरा गिरनी बंद कर दे या वहाँ की फेडरल रिजर्व की हॉकिश लैंग्वेज कम हो जाए, और ये एक दो महीने की बात है। तो आई थिंक वेयर इन द लास्ट राउंड, मतलब कि इसी क्वार्टर में प्लस माइनस US मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत और गिरना है तो गिरेगी और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी, बिकॉज उनके सारे जो इवेंट्स हैं इसी क्वार्टर के हैं। और हमारी तरफ से, इंडियन मार्केट की तरफ से तो प्यार हो चुका है, अब ग्लोबल मार्केट्स को एक दो महीने नेगोशिएट करना है। तो अगर किसी को लॉन्गर टर्म 2-4 साल का व्यू लेना है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्योंकि फंड मैनेजर हैं ऑलरेडी 94% इन्वेस्टेड हैं जैसे लॉन्ग ओनली फंड में, वो हम लास्ट 5-6% के लिए अपनी ओवर एनालिसिस करते हैं कि उसको आज डालें कि 4 दिन बाद डालें, तो उसी की बात है। वरना एनी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑलरेडी प्यार हो चुका है। They should use these dips to increase exposure to the markets. तो अच्छे entry point मिलेंगे over 3-6 years, यही 3-6 months, यही हमारा view रहा है पिछले 2-3 quarters से कि market choppy रहेंगी, because जो दुनिया में हो रहा है कि Fed rates अपने 3-3.5% कर रहे हैं और बात करें कि 4-5.5% तक जाएंगे, तो दुनिया में काफी ऐसे देश हैं जिनमें काफी debt accumulate हुआ है जो कि इतने high rates नहीं sustain कर सकते, तो उसके रहते हुए थोड़ी choppiness होगी। बट वो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वो जो मार्केट में चौपिनेस होती है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड क्वालिटी कंपनीज। 3-4 महीनों से ग्लोबल एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग है और हम ये कह सकते हैं दैट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट, लेकिन यू नो द वर्ल्ड इज फ्लैट। आई थिंक पूरा का पूरा नजरअंदाज करना ग्लोबल एनवायरनमेंट को सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ अगर होगा वहां तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा, हो सकता है थोड़ा कम इम्पैक्ट हो।
इंडिया के लिए एक चीज जो यू नो वर्क कर रही है वो है कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रेजिलिएंट है. यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है अनलाइक द ग्लोबल एनवायरनमेंट. और जो अभी एक फॉल हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में और ऑयल में, उसका भी इंडिया को एक बेनिफिट हो रहा है. तो आप ये जरूर कह सकते हो कि इंडिया इज स्टैंडिंग आउट इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, लेकिन अगर दुनिया में कुछ बड़ी घटना होती है तो इंडिया को भी उसका छोटा मोटा तो इम्पैक्ट होगा ही. तो आई थिंक अगर थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक सावधान हरदम रहना ही चाहिए. एंड स्पेसिफिकली व्हेन इन अ सिनेरियो वेयर यू नो आर मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड, तो हम नेगेटिव नहीं है, बट हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप आज के आज है ना जो भी आपको लेना है आप खरीद लो.